हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं बीना और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वेज मेयोनीज सैंडविच की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार एंड क्विक एंड इजी ये रेसिपी है, सिर्फ 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी अगर आपके सारे वेजिस चॉपर की मदद से चॉप किए हुए हैं। तो यहाँ पर मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए, वेज मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए ले लेना है बहुत सारा वेजिस। तो आप देख सकते हैं मैंने मेरी पसंद के वेजिस लिए हैं, जैसा कि ककड़ी, शिमला मिर्च, ऑनियन और गाजर। अगर आपको यहाँ पर टमाटर भी यूज़ करना है तो कर सकते हैं। तो सारे वेजिस को मैंने एक बाउल में डाल दिया है और पहले तो हम सारे वेजिस को चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, तो सारे जो वेजिस हैं वो एक दूसरे में घुल मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है सारे वेजिस को और अब हमें यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर करीबन 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला ऐड कर देंगे। तो चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं ऐड करना तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। अगर आपको थोड़ी स्पाइसी मेयोनीज सैंडविच बनानी है तो आप यहाँ पर थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करने हैं तो आप यहाँ पर काली मिर्च की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये मेयोनीज वाली सैंडविच है तो थोड़ी स्पाइसी कम बनेगी। तो आपको जिस हिसाब से भी सैंडविच बनानी हो उस हिसाब से आप इसे तीखा या कम तीखा रख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ब्रेड, तो यहाँ पर मैं ब्रेड की जो किनारी है वो कट कर दूंगी। अगर आपको नहीं करनी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड की किनारी को कट कर लिया है और अब मैंने ले लिया है विबा का इग्लिस मेयोनीज। तो आप छोटी पैकिंग भी ले सकते हैं, इसमें बड़ी पैकिंग भी आती है, तो जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं मार्केट में से। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच भरकर मेयोनीज ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है मेयोनीज तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच के बाद और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी 3 चम्मच जितना ऐड किया है, बड़े वाले 3 चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। तो इसे हमें चम्मच की मदद से एकदम अच्छे से मिक्स कर देना है। वेजिस जो हैं वो एकदम से छूटने नहीं चाहिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एकदम मेयोनीज जो है वो वेजिस में अच्छे से लग चुका है, तो ही आपको सैंडविच खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से वापस से ऐड कर दिया है और ये हमारा मिक्सर बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं ऐसा मिक्सर हमें बनाकर रेडी कर देना है और जो हमने ब्रेड को तैयार करके रखा था उसे हम ले लेंगे और उस पर हम अमूल का बटर लगा देंगे। आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बटर को थोड़ा सा मेल्ट करके लगाइए। तो दोनों स्लाइस में मैं यहाँ पर बटर लगा दूंगी, तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा बटर से। बिना बटर के भी ये सैंडविच बहुत ही मज़ेदार लगती है, अगर नहीं हो तो आप बटर भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब ले ली है हरी चटनी और हरी चटनी का वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है मैंने, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चटनी लगा ली है ब्रेड पे और उसके बाद हमने जो मेयोनीज वाला मिक्सचर रेडी करके रखा था वो हम यहाँ पर ऊपर लगा देंगे। तो आप सैंडविच की 2 या 3 लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही लेयर कर रही हूँ। अगर आपको 2 लेयर करनी है तो इसके ऊपर पहले ब्रेड रख दें और ब्रेड के ऊपर वापस से आपको ये मिक्सचर लगा देना है और उसके ऊपर वापस से ब्रेड रख दें और बटर लगा लें। तो मैं यहाँ पर 1 लेयर ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को ऊपर रख दिया है और ब्रेड के ऊपर भी हम थोड़ा सा मक्खन लगा लेंगे, यानी कि बटर लगा लेंगे। और अब हमें क्या करना है, एक पैन हमें गैस पे रख देना है एकदम से स्लो फ्लेम पे और तवे में भी हम थोड़ा सा बटर लगा लेंगे ताकि हमारी जो सैंडविच है वो एकदम से क्रिस्पी बने। हमें यहाँ पर मशीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सैंडविच को मशीन में बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं सैंडविच टोस्टर में। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच को तवे में रख दिया है और ऊपर का जो पार्ट है उसमें भी हम यहाँ पर बटर लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए, करीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम सैंडविच को सिकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इसे पलट देंगे, तो आपको यहाँ पर उलट पुलट करके ही सैंडविच को टोस्ट करना है, वरना ज़्यादा देर आप तवे पर रख देंगे तो सैंडविच जो है वो थोड़ी सी जल जाएगी।
तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने वापस से थोड़ा सा बटर लगा दिया है ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि सैंडविच हमारी धीरे धीरे एकदम से टोस्ट हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसका कलर आ गया है। तो वापस से हम इसे थोड़ा सा क्रिस्पी बनाएंगे। अगर आपको क्रिस्पी नहीं चाहिए तो आप थोड़ी देर में ही इसे नीचे उतार लें। तो यहाँ पर हमारी सैंडविच बनकर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। चलिए फाइनली हम इसे कट करते हैं और इसी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो कट करने में आपको ऊपर से पहले हाथ रख देना है और बाद में इसे कट करना है ताकि अंदर से ये अलग अलग ना हो। तो आप देख सकते हैं इसी सावधानी के साथ मैंने इसे कट कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी वेज मेयोनीज वाली सैंडविच बनकर रेडी है फ्रेंड्स। आप इसे हरी चटनी के साथ सॉस के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे हल्की फुल्की भूख में भी बनाकर खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट कर, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।